मैं हूँ आपके साथ तन्वी सूद, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम आए दिन आपके लिए हटके स्टोरीज लेकर आते हैं, आपको कई दिलचस्प स्टोरी से भी रूबरू करवाते हैं। वहीं आज की हमारी ये स्टोरी है काफी हटके। दरअसल दोस्तों, आज हम आपको दुनिया का सबसे खूबसूरत वॉशरूम दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। ये वॉशरूम नॉर्वे के FV-17 सड़क पर किल्सकिल शहर के पास और हेल्च एंड स्काई स्टेन सीनिक रूट के पास है। ये वॉशरूम वेव शेप में बनाया गया है, जो कि देखने में काफी लाजवाब है, जिसमें देखने के लिए एक छत है जो खुले नॉर्वेजियन सी के सामने है और लॉफ्टन वॉल के बर्फ से ढके पहाड़ भी वहां से नजर आते हैं। आपको बता दें, ये वॉशरूम रास्ते के बीचों बीच बना हुआ है और इसके साथ साथ यहां बैठने की स्पेशल जगह बनाई गई है। कहा जाता है यहां से नॉर्वे नदन लाइट्स का नजारा साफ साफ दिखाई देता है। अब आपको बताते हैं आखिर इस वॉशरूम को डिजाइन किसने किया है। दुनिया के सबसे खूबसूरत वॉशरूम को ओस्लो के आर्किटेक्ट मैरिट जस्टिन हॉगन और डैन जोर ने बनाया है, और इस वॉशरूम को डिजाइन करते समय दोनों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि एक आर्ट की तरह ही दिखाई दे, और सचमुच ये काफी कमाल का दिखता है। वहीं आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि इस टॉयलेट को बनाने के लिए कोई भी कलर या पेंट नहीं यूज किया गया है, जिस बात की जानकारी खुद हॉगन और डैन ने ही दी थी। दोस्तों, इसे अनरेड रेस्ट एरिया यानी अनरेड प्लाजन कहा जाता है। इसका मतलब होता है एक छोटी छुट्टी, एक अच्छा आराम और एक पिकनिक के लिए जगह जहां एक वॉशरूम पाया जाता हो। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि 433 किलोमीटर लंबे हेल्च एंड स्काई स्टेन सीनिक रूट का हाल ही में रेनोवेशन किया गया। पूरी तरह से दोबारा बनाए जाने में लगभग 1.5 मिलियन यूरो का खर्च आया। इस रेनोवेशन के बाद से ये वॉशरूम दुनिया का सबसे बेहतरीन टॉयलेट माना जाता है। वैसे आपको कैसी लगी हमारी ये स्टोरी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही हटके स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।